आपको मेरे ब्लॉग और मेरे चैनल पर स्वागत है। तो गाइस, आज का ब्लॉग बहुत ही खास होने वाला है, बहुत ही स्पेशल होने वाला है, क्योंकि आज मैं करने वाली हूँ मैगी ईटिंग चैलेंज फॉर 24 आवर्स। तो आज मैं पूरा दिन मैगी खाकर ही गुजारूंगी। तो पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा था कि मैं पूरा दिन ब्रेड खाकर ही गुजारा, जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं था, फिर भी खाया। और आज तो मैगी खाने वाली हूँ, जो कि मेरी फेवरेट है, हम सबकी फेवरेट है मैगी। तो आज मैं पूरा दिन सुबह से लेकर रात तक सिर्फ और सिर्फ मैगी खाकर ही रहूंगी। तो देखते हैं पूरा दिन रह पाते हैं या नहीं, चैलेंज पूरा होता है या नहीं। तो ब्लॉग में बने रहो। और अभी बज रहा है सुबह का 11, लोगों दिखा देती हूँ, ये देखो दिख रहा है, ये देखो 11 बज रहा है। और मैं अभी थोड़ी देर पहले सोकर उठी, और उठ के मैं वीडियो एडिटिंग करके अपलोड वगैरह करते करते मेरा 11 बज गया है। तो अभी मैं करूँगी ब्रेकफास्ट, क्योंकि मुझे बहुत तेज़ भूख लगी है, मम्मी लोगों ने ब्रेकफास्ट कर लिया है। और अभी मैं बनाऊँगी मैगी, और ब्रेकफास्ट के लिए इतनी मसालेदार मैगी तो कोई नहीं खाएगा, इसलिए मैं अभी बनाऊँगी 2 मिनट्स वाला मैगी, जो पानी में थोड़ा गर्म पानी में उबाल कर खा लूँगी वैसे। तो अभी चलो फटाफट मैगी बनाते हैं, 2 मिनट्स वाला मैगी, उसके बाद खाते हैं। यार पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, तो चलो बनाते हैं 2 मिनट्स वाला मैगी। तो गाइस ये देखो, मैंने 2 मिनट्स वाला एक मैगी ले लिया है, जो 10 रुपये का है, ये थोड़ा बड़ा है, तो इससे मेरा काम चल जाएगा, मेरा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। तो चलो अभी फटाफट इसे बना कर खाते हैं। तो गाइस देखो, इधर मैं पानी डाल दिया है, पानी में उबाल आ रहा है, तो इसमें मैं मैगी मसाला डाल दूंगी। अभी इसमें मैगी डाल देंगे। अभी गया ये हमारा मैगी, जो 2 मिनट में बन जाएगा, देखते हैं 2 मिनट में बनता है या नहीं। तो मैगी मैंने चढ़ा दिया है, बस वो जब तक होता है तब तक मैं थोड़ा इंतज़ार करती हूँ, उसके बाद मैं सीधा ब्रेकफास्ट करूँगी। यार पेट पे ना महाभारत का युद्ध चल रहा है, तो अभी चलो आप लोगों को कुछ दिखाती हूँ मैं बाहर। तो मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कुछ, देखो ये देखो, ये एक टेम्पररी घर बनाया गया है, मतलब रूम बनाया गया है, जिसमें मैं अपना वीडियो शूट भी कर सकती हूँ। चलो दिखाते हैं आप लोगों को, ये देखो, इसमें मैं अपना वीडियो भी शूट कर सकती हूँ, देखो। तो आज का मैं सारा ब्लॉग यहीं पे करूँगी, इसी रूम पे करूँगी। तो गाइस देखो, मेरी ब्रेकफास्ट एकदम तैयार है, पूरा सिंपल 2 मिनट वाला मैगी। वैसे तो ऐसे सिंपल बिना मसाले के मुझे पसंद नहीं है, फिर भी सुबह सुबह कौन इतना मसाला खाएगा, है ना। तो ऐसे ही सिंपल बना लिया, तो चलो फटाफट खा लेते हैं, इसके बाद दोपहर का सोचेंगे। देखो देखने में तो अच्छा लग रहा है ना, कितना टेस्टी लग रहा है, चलो इसे खाते हैं। महकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है हर चीज। तो गाइस देखो, पूरा खत्म कर दिया मैंने, तो मेरा ब्रेकफास्ट डन हो गया, एक चैलेंज का एक मुकाम तो पार कर लिया है। अभी बारी है लंच की, तो लंच में भी मुझे मैगी खाना पड़ेगा, लेकिन लंच में थोड़ा मसालेदार खाऊंगी। तो कैसे बनाती हूँ आप लोगों को जरूर दिखाऊंगी, तो ब्लॉग में बने रहो। हाय गाइस, तो देखो मेरे ब्रेकफास्ट करने के बाद कुछ काम था वो ख़त्म कर लिया है, अभी जाऊंगी मैं नहाने, फिर नहा के आके मैं करूंगी लंच की तैयारी, और वो भी मैगी मसालेदार। तो चलो नहा के आते हैं, उसके बाद लंच तैयार करेंगे। तो हे गाइस, मैं नहा कर आ गई, और मैंने हेयर वॉश करके नहाया, हेयर वॉश करके नहाने के बाद तो अजीब अलग सा ही सुकून मिलता है। तो अभी बज रहा है, ये देखो 2:03 हो गया है, और अभी लंच का समय हो गया है। तो अभी मैं जाऊंगी फटाफट लंच, मतलब मैगी बनाऊंगी, जो कि मैं लंच में खाने वाली हूँ। तो चलो अभी फटाफट जाकर लंच बनाते हैं, क्योंकि भूख तो लगी है, सुबह ही खाया था 11 बजे। तो चलो अभी बनाते हैं लंच। तो गाइस देखो, लंच के लिए मैंने दोबारा से ले लिया है एक पैकेट मैगी, जो 10 रुपये वाला पैकेट है। तो इधर लिया है प्याज, मिर्ची, और इधर सोया सॉस, ग्रीन चिली सॉस, टोमेटो सॉस, बटर। और ये रेसिपी मतलब कैसे बनाती हूँ, तो आपको एक ब्लॉग में दिखा ही दिया है, तो अभी मैं नहीं दिखाऊंगी कि कैसे बनाती हूँ, सीधा बना के मिलते हैं। तो गाइस ये देखो, मेरी लंच, मेरी मैगी, मसाला मैगी तैयार है, अभी फटाफट इसे खा लेते हैं, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी है। तो चलो खाते हैं इसे।
लेकिन मेरी मम्मी बोल रही थी कि तू दिन भर मैगी खाते रहेगी तो तेरी गैस हो जाएगी, तू खाना खा ले। लेकिन मैंने मम्मी को कहा नहीं मम्मी नहीं खा सकता, चैलेंज हाथ में लिया है तो पूरा तो करना ही होगा, भला चीटिंग करके क्या होगा, है ना, चीटिंग करके तो खुद की नज़र में ही गिर जाऊंगी, इसलिए मैं मैगी खा कर ही रहूंगी पूरा दिन, देखते रह सकते या नहीं। गाइस देखो बाहर का वेदर, अभी भयंकर बारिश होने वाली है, तो अभी मैं फटाफट मैगी खा लेती हूँ क्योंकि बारिश का मजा लेना है ना बाद में। तो ये देखो मेरा मसाला मैगी, अभी देख के मुंह में पानी आ रहा है, वाव। चलो टेस्ट करके देखते हैं कैसा बना है। मस्त है, तो गाइस देखो ख़त्म हो गया। तो मैंने मेरी चैलेंज का दूसरा पड़ाव पार कर लिया है, लंच पड़ाव पार कर लिया है, अभी बाकी है शाम की नाश्ता और रात की डिनर का, तो देखते हैं कर पाता है या नहीं, है ना। गाइस देखो पसीना देखो, दिख रहा है, तो सोचो कितना मिर्ची होगी, कितना स्पाइसी बना होगा, और ऊपर से पंखा भी नहीं लगाया, तो सोचो मेरी हालत क्या हो रही है। तो अभी फटाफट मैं पानी पी कर आती हूँ। तो गाइस मेरी पेट एकदम फुल हो गया है, और वैसे तो मैगी मेरी फेवरेट है, लेकिन भले ही कितना भी फेवरेट चीज़ें क्यों ना हो, बार बार नहीं खाया जा सकता है ना, फिर भी मैं खाऊंगी, चैलेंज लिया है तो कम्प्लीट करूंगी। अजीब लग रहा है। तो अभी देखा कि मेरा एक पार्सल आया है फ्लिपकार्ट से, तो चलो इसे अनबॉक्स करते हैं, है ना, क्या निकलेगा, खजाना निकलेगा, चलो इसे अनबॉक्स करते हैं, चलो देखते हैं क्या है इसमें। अरे ये तो मेरी वीडियो की चीजें है, आप लोगों को दिखाती हूँ, लोगों को ये बताओ क्या है, चलो मैं ओपन करके दिखाती हूँ, इधर से खुलेगा। अरे भाई पिज्जा, तो ये है देखो, ये है आरजीबी लाइट जो कलर बनाता है ना हमारी वीडियो की बैकग्राउंड को, तो मैंने मंगवाया है ताकि मेरी वीडियो में थोड़ा क्वालिटी और अच्छा हो, ताकि आप लोगों को देखने में भी अच्छा लगे। और इसमें एक रिमोट भी मिला है, देखो ये रिमोट मिला है, और इसमें बहुत सारा कलर्स है, रेड है, येलो है, ब्लू है, ग्रीन है, तो बहुत सारा कलर्स इसमें होंगे, लेकिन मेरे में है रेड, ग्रीन, वाइट और येलो है। तो अभी मैंने और बहुत कुछ ऑर्डर किया है, जब वो आएगा तो मेरी यूट्यूब का सेटअप बहुत अच्छे से बनाऊँगी और आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो ये सब देखो कैसा है, अच्छा है ना। तो गाइस देखो ये लाइट तो दिखने में अच्छा ही लग रहा है, ये पता नहीं काम करेगा या नहीं अच्छे से, और ये रिमोट भी अच्छा ही लग रहा है, क्यूट लग रहा है, लेकिन इसके पीछे जो तार है ना, ये देखो इतना छोटा तार दिया है, थोड़ा लंबा देने से क्या होता, अभी यहाँ पे मुझे और तार ज्वाइन करना पड़ेगा यार, इतना सा तार से कैसे होगा बताओ भला। तो गाइस मैंने आप लोगों से कहा था ना कि बारिश आने वाली है, ये देखो बारिश आ रही है, देखा जम कर देती हूँ, देखो। तो अभी मेरा लंच वगैरह हो गया है, तो अभी मैं सोकर बारिश का मजा लूंगी, बारिश के दिनों में सोना बहुत अच्छा लगता है कि नहीं बताओ। तो अभी मैं सो जाती हूँ, उठने के बाद मैं शाम का नाश्ता करूंगी, और वो भी मैगी। तो हे गाइस मैं अभी सोकर उठ गई हूँ, और आज मैं मैगी चैलेंज कर रही हूँ, ये बात दीदी को नहीं पता थी, तो अभी शाम की नाश्ता के लिए दीदी मैगी ही बनाई है, तो अच्छा ही हुआ मेरा भी चैलेंज हो जाएगा इसमें, है कि नहीं। तो अभी जाऊँगी मैं नाश्ता करूँगी शाम का, क्योंकि बहुत तेज़ भूख भी लगी है, सिर्फ मैगी ही खाया था वो भी 2 बजे, तो अभी तो भूख लगी गई है ना, तो चलो अभी फटाफट हम लोग करते हैं नाश्ता, वो भी मैगी वाला, है कि नहीं। तो बाद में देखेंगे डिनर करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि मैगी खा के पक गई हूँ, मेरी फेवरेट है, फिर भी पक गई हूँ, क्योंकि कोई भी चीज़ हद से ज़्यादा खाना अच्छा नहीं है। तो चलो अभी नाश्ता करते हैं। तो गाइस देखो मैंने थोड़ा सा ही लिया है, और ये भी चिकन मैगी बनाया है दीदी ने, क्योंकि दीदी को पता नहीं था कि मैं मैगी चैलेंज कर रही हूँ, और वो बना दिया है मैगी,
तो कोई बात नहीं, अभी खाएंगे चिकन मैगी। क्यों? हाँ तो आज वो मैंने कहा था चंद्रयान 3 स्टार्ट हो गया था, तो वो आज लैंड करेगा। चलो अभी देखते हैं न्यूज में। तो गाइस ये देखो खत्म कर दिया है, अभी तो मेरा हो गया है नाश्ता, अभी बाद में देखते हैं डिनर करते ही या नहीं। यार गाइस मेरी हालत देखो बहुत भयंकर, पेट दर्द हो रही है। यार गाइस सच में पूरा दिन आप मैगी खाकर नहीं रह सकते, आपको इतनी भयंकर पेट दर्द होगी ना। गाइस मम्मी सही कह रही थी, पूरा दिन मैगी खाकर रहेगी तो गैस होगा। अभी मुझे पता नहीं क्या हो गया, इतने भयंकर पेट दर्द हो रही है। और मैं आप लोगों को भी बोलना चाहती हूँ, पूरा दिन मैगी खाकर मत रहो, कोई भी ऐसा चैलेंज मत करो। यार जो आप लोग खाना खाते हो, जो हम खाना खाते हैं, हमारी हेल्थ के लिए मतलब सुइटेबल है वही खाना चाहिए। रोटी खाओ या भात खाओ, जो भी खाओ, लेकिन मैगी ये बस एक टाइम के लिए अच्छा है, बार बार नहीं खाया जा सकता। और सुबह से लेकर मैं अब तक बस मैगी खाया, यार मैंने कुछ भी नहीं खाया। मम्मी ने बोला कि तू खाना खा ले, यूट्यूब में किसको क्या पता चलेगा, तो दिखाएगी नहीं। लेकिन मैंने बोला कि नहीं मुझे नहीं खाना है, अगर खाऊंगी तो चीटिंग हो जाएगा ना, और मैं बचपन से आज तक कभी मैंने चीटिंग नहीं किया। मम्मा देखो गाइस, इसको बोला था मैंने मैगी मत खा, इतना सारा चैलेंज किया था मैगी चैलेंज, अब कैसा पेट दर्द में रह रही है अभी देखो। और खा मैगी। गाइस देखो अभी दीदी मुझे डांट के अभी दवाई ढूंढ रही है मेरे लिए, मिला ना दे। ये देखो मैगी चैलेंज का साइड इफेक्ट, आप लोग कोई मत करना मैगी चैलेंज। आप लोग खाना खाओ, भात खाओ, रोटी खाओ, लेकिन सारा दिन मैगी मत खाओ। गाइस देखो अब दोबारा मैं मैगी चैलेंज कभी नहीं करूंगी। तो गाइस ये था मेरा दर्दनाक मैगी चैलेंज, जो नाश्ता करके ही मेरा टाइट फिश हो गया। अभी मैं डिनर नहीं कर सकती, और वैसे भी रात को मैं बहुत कम खाती हूँ, तो इसी से कम चल जाएगा। ऑलरेडी पेट में बहुत भयंकर दर्द हो रही है, दवाई खाने के बाद थोड़ा सा कम हो रहा है, तो अभी मैं रेस्ट करूंगी। आप लोग कोई भी मैगी चैलेंज मत करना, अगर मैगी चैलेंज करते भी हो ना तो फिर कुछ कर लेना, खा लेना, किसी को पता नहीं चलेगा। जैसे मेरी मम्मी बोलती थी, अगर मैंने मम्मी की सुन ली थी होती ना तो मुझे पेट दर्द नहीं होता था। खैर कोई बात नहीं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर कर देना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि बहुत पेट दर्द हो रही है। इस चैलेंज को बनाते हुए मुझे बहुत तकलीफ झेलना पड़ा है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखना, बाय।